खबर हल्द्वानी से है, जहां पर भाजपा महिला मोर्चा ने नैनीताल जिला अध्यक्ष अलका जीनाबाई बनाई गई हैं, और वहीं महिला मोर्चा ने अमृतकाल के पहले बजट की समीक्षा की है। महिला मोर्चा ने बजट का स्वागत किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा है कि इस बार के बजट में सभी वर्गों के लोगों का ध्यान रखा गया है। केंद्र सरकार ने अपने बजट से बता दिया है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने हमेशा ही महिलाओं को हर क्षेत्र में स्थान दिया है। केंद्र और राज्य सरकार लगातार महिलाओं के हक के लिए योजनाएं बना रही है। जिला अध्यक्ष अलका जीना ने कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा ही महिलाओं को सम्मान दिया है, इसलिए भाजपा की जीत में महिलाएं हमेशा अपना योगदान देती रही हैं। उन्होंने कहा कि आगामी निकाय चुनाव में भी महिला मोर्चा पार्टी को जीत दिलाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी। कि आप सभी लोगों को पता है, आज हमारा जो कार्यक्रम हुआ वो महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष का स्वागत का था। उसी के साथ बजट पे समीक्षा, जो कि अमृतकाल का पहला बजट हमारी सरकार के द्वारा दिया गया है, उस पर समीक्षा के जो भी कार्यक्रम आगे रणनीति तय होनी है उसकी जानकारी आज हम सभी लोगों ने डिस्कस किया, उसके बारे में वार्ता हुई और उसका जिले से सहसंयोजक मुझे बनाया गया है। तो इस नाते में बजट पे समीक्षा के कार्यक्रमों की वार्ता के लिए यहाँ पर उपस्थित हुई थी। और जो जिम्मेदारी मिली है वो महिला मोर्चा की तरफ से, हमेशा क्योंकि महिलाएं हमेशा चुनाव में आगे रहती हैं, तो महिला मोर्चा की तरफ से तो हमेशा बड़ी बड़ी भागीदारी रहेगी। और निकाय चुनाव जो हमारे अभी होने वाले हैं दिसंबर के टाइम पे, तो उस समय महिलाएं अभी जो टीम बनेगी और जो हमारी जो पुरानी महिलाएं हैं, सारी हैं, जो वरिष्ठ महिलाएं हैं, सभी लोग बढ़ चढ़ के भाग लेंगे और हमेशा ही भाग लेती हैं।